गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह से टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कल फास्ट रहा, तो थोड़ा सा फास्ट के दूसरे दिन फिर पूरा आलसी आलसी लगता है। एक्चुअली लाइट का भी इशू था, यहाँ पे मेंटेनेंस होता है हर थर्सडे के दिन, तो वही उसी के कारण लाइट नहीं था। पूरा 12:30 बजे लाइट आया था, तो हम लोग ऐसे बैठे बैठे सब सो गए थे उस टाइम। फिर बच्चे लोग भी सोए, फिर हम लोग आराम से फिर उठे, फिर जो रूटीन है वो सब हुआ। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट। एक्चुअली ना मम्मी के लिए जनवरी में एक तो मैं सेट ली थी गले का ना, तो उसका एक कान का अलग था, दूसरा वाला अलग था। तो देखती हूँ जनवरी के बाद, अभी सीधा जा रही हूँ तो पता नहीं है एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा। वैसे गड़बड़ है तो शायद हो जाए, मैं पहचानती नहीं हूँ शॉप वाले को, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। तो अभी वही जाने वाली हूँ, तो मेरी ननद आने वाली है। ये आधे घंटे से रेडी होके बैठी हूँ मैं, आएगी आएगी करके मैं कब से रेडी होके बैठी हूँ पर अभी तक आई नहीं है, तो मैं वेट ही कर रही हूँ। तो बताइए आप लोग कैसे हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका करवा चौथ का फास्ट कैसा रहा और आप लोगों ने क्या किया। मेरा तो सेकेंड टाइम था, तो मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ अपने करवा चौथ को। तो देखते हैं कितने टाइम में आती है वो। बना बोल के ना, माही की मस्ती देखिएगा, ये बार बार दौड़ के आती है यहाँ से और अभी चली गई अंदर, माँ बुला रही और आ रही है ना। तो ये बार बार इसमें से दौड़ दौड़ के आएगी, ऐसे उतरेगी फिर दौड़ के ऊपर चढ़ेगी। लेकिन ऐसे जिस दिन हम लोग आए उस दिन इतना जोर से गिरी थी, एक्चुअली मेरे पर्स को टांगी हुई थी तो उसको लगा नहीं था, स्वेटर भी डाली हुई थी वो, तो फिर पर्स में ही उसका पेट रहा तो लगा नहीं उसको, नहीं तो बहुत ज़ोर से लगता वो। देखिए वो ना वहाँ पर डांस कर रही है, ये बार बार ये यहाँ पे ऊपर दौड़ के जाएगी और बार बार यहाँ से फिर दौड़ के आएगी, उसको क्या मज़ा आता है पता नहीं। वो देखिए फिर आ गई, ये फिर गेट में खड़ी हो जाएगी, फिर QRSTUVWXYZ बोलेगी और वैसे जंप करती रहती है। देखिए मैं इतने देर से खड़ी हूँ लेकिन अभी तक मेरी ननद आई नहीं है, कुहू नहीं आई है। इसलिए अभी मेहंदी की खुशबू अभी तक है, मेरी मेहंदी देखी कितनी अच्छी रची थी ना, मस्त रची थी। तो मैं ना हनी ना उस दिन मेरे घर में चिरमिरी गए थे जिस दिन, उस दिन ना हनी के पैर में नाखून में लग गया था, तो वो शायद ना उसका नाखून उछड़ जा रहा है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये आ गई मेरी ननद। इतने देर में आई है तो मैं ये बोल रही थी कि ना हनी के पैर में लग गया है तो उसका नाखून में अभी मैं गर्म पानी और डेटॉल से सेकाई करके आई हूँ, तो शायद उसका नाखून उछड़ जाएगा। तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं उसके पैर में ऐसा क्या लगाऊँ जिससे उसका नाखून उछड़े ना और वो सूख जाए। मैं अभी बेटाडीन लगा के आई हूँ लेकिन नाखून के अंदर बेटाडीन जाएगा कैसे, यही सोच रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं उसके नाखून में क्या लगाऊँ जिससे सूख जाए। तो चलिए आ गई है मेरी ननद और मैं निकलती हूँ अब मार्केट के लिए। दीपावली का टाइम है तो देखिए कितना चहल पहल और कितना भीड़ है मार्केट में, पूरा सब शॉप सब खुला ही हुआ था, सब में मस्त मस्त कपड़े ड्रेसेस जो हैं वो सब इतने सुंदर सुंदर आए हुए थे, देख के तो इतना लालच लग रहा था। बट अभी कुछ नहीं लेना है क्योंकि हमें दुर्गा पूजा में बहुत सारा शॉपिंग इस बार नहीं हुआ था, बट फिर भी चल जाएगा तो इस बार उतना ज़्यादा नहीं लेना है हम लोग को कुछ भी।
सा ड्रेस आया है अभी, मैं भी दो बच्चों की मम्मी, अब तो दो बच्चों की मम्मी हो गई, अब तो इम्पॉसिबल है ये सब सपने, अभी हम लोग लाइफ में तो यहाँ मुझे कू लेके जा रही है पहाड़ों के बीच, लवर्स पॉइंट बोलते हैं उसको। तो अचानक से मतलब सडनली वो बोली मेरे को, चलो बोधी चलते हैं घूमने के लिए। बोधी मीन्स भाभी को हम लोग मतलब बंगाली में भाभी को बोधी बोलते हैं, आप लोग को तो मालूम ही होगा। तो फिर भी वो बोली चलो बोधी हमें चलते। और ये देखिए, ये ना अंबिकापुर का महामाया मंदिर है, बहुत ही मान्यता वाली भगवान है, सबको पता ही होगा महामाया मंदिर मतलब माँ के बारे में। तो इतना बुरा लगता है अभी सोच के देख के कि मतलब हर मंदिर इतना भरा रहता है, खासकर ओकेशन मतलब जो फेस्टिवल है उस टाइम में, लेकिन अभी कोरोना के कारण सब कुछ खाली चल रहा है। और ये जो है ना, ये ना यहाँ का एक स्कूल है, क्या नाम था, हाँ ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, मैं भूल गई थी। तो बहुत ऊपर हम लोग को ऊपर साइड जाना था जहाँ से पूरा सिटी दिखता है। तो हम लोग तो बहुत, मैं तो खूब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके जा रही थी कि क्या मस्त वहाँ पे कुछ दिखेगा, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे। तो मैं तो सोच के गई थी कि देखिए यहाँ से पूरा सिटी दिख रहा है, उतना अच्छे से मैं दिखा नहीं पाई। एक्चुअली बहुत लेट हो गया था हम लोग को, इसके कारण मैं दिखा नहीं पाई। बहुत सुंदर जगह था यार, यहाँ तो ताला ही बंद निकला, गुगली हो गई हमारी। हम लोग आए थे कुछ सोच के कि यहाँ से आपको व्यू दिख, तो हम लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन ये ताला बंद था तो हम लोग देख ही नहीं पाए उधर। एक्चुअली मैं अभी फर्स्ट टाइम आई थी, कभी आई नहीं हूँ, बस सुनी थी कि हाँ यहाँ का थोड़ा सीन बहुत अच्छा है, लवर्स पॉइंट है। तो लवर्स तो हम लोग आए नहीं है शायद, इसलिए बाहर निकला है, अपने अपने लव के साथ शायद आना था यहाँ पे। तो देखते हैं कल आके फिर दिखता है कि नहीं। देखिए कितना सुंदर पूरा शहर दिख रहा है, ठंड इतनी बढ़ गई है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए पूरा सिटी दिख रहा है यहाँ ऊपर से। एक्चुअली ठंड इतनी बढ़ गई थी ना, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे जाने के लिए, बहुत ठंड बढ़ गई थी। और शाम का टाइम था, मतलब 5 बज चुके थे, अंधेरा होने ही वाला था यहाँ पे। तो हम लोग रिटर्न ही चले गए क्योंकि हम लोग को तो वो मिला ही नहीं। हमारी गुगली हो तो आप भी बताओ कि आपको भी कभी ऐसी गुगली हुई है कि कहीं गए हो और ऐसा कुछ बंद रहा हो। मैं बना रही हूँ मैगी, सन्नी का मैसेज आया हुआ। हे गाइस, तो आप लोग देखे कि आज मार्केट में इतना भीड़ है और हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पे तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। उसके लिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम, कहीं टाइम मिला तो, अगर गई तो देखते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ मैगी। मेरे घर का फ़ोन आया था, बोला कि सन्नी का फ़ोन आया था, बोला कि मैगी बना के रखना। और ये देखिए चूड़ी मैं अभी तक उतारी नहीं हूँ, अच्छा लगता है ना ऐसे। हम लोग ऐसे कांच का चूड़ी पहनते नहीं, बट मेरे को शौक चढ़ा है तो मैं इसको उतारी ही नहीं हूँ। इतना प्यारा लग रहा है ना, हाथ ही एक्चुअली प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का मैगी बनाने वाली हूँ। मेरी मैगी बॉयल हो गई है, देखते हैं अब उसके बाद क्या क्या करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं अंडा वाला मैगी बना रही थी क्योंकि फरमाइश था कि एग वाला ही मैगी खाना है। तो मैं यहाँ क्या की, दो एग को पहले मैं ऐसे बिना प्याज के ऐसे मतलब बस नमक दे के उसको ऐसे फ्राई कर ली थी अच्छे से, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, आपके ऊपर है, आप बस नहीं डालोगे तो चलेगा ही। ये ऐसे ही मैं तो ऐसे ही बनाई हूँ, तो इसमें सिर्फ नमक डाल के इसको मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ।
कभी भी जब भी अंडा बनाना हो या फिश बनाना हो, जो भी बनाती हूँ, तो मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही से ही बनाती हूँ। और आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, किस में ज़्यादा टेस्टी लगता है, आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बताइएगा ताकि मैं भी थोड़ा सा उसको ट्राई करूँ। मुझे तो मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा पसंद है, मैक्सिमम बंगाली मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं इसको। मैं सोची रोटी भी बना ही देती हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि नेहा तुम कभी रोटी नहीं खाती हो क्या, रात में कभी रोटी बना के भी दिखाओ यार। तो मैं ये वीडियो उसको डेडिकेट करती हूँ कि देखो यार मैं भी रोटी बनाती हूँ। और हाँ, मेरी रोटी प्रॉपर गोल तो नहीं बनती है, बट ट्राई रहता है कि हाँ बन जाए गोल। और क्या है, पेट में ही तो जाना है इसको, आके इसको तोड़ के ही खाना है। तो गोल बने या लंबी बने या भारत का नक्शा बन जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मुझे पहले रोटी बनाने नहीं आती थी एक्चुअली ना, मेरे घर में लोहे का ये चकता बेलन है, तो ना उससे ना गोल नहीं बनता है मेरे से, तो लकड़ी वाले से बन जाता है। तो मैं अपने घर के लिए भी वही मैं जो यूज़ करती हूँ वो भी लकड़ी का ही है, और यहाँ पे भी जो है ये भी लकड़ी का है। तो इससे ना मेरी रोटी देखिए एकदम गोल ही बनती है और अच्छे से फूलती भी है मेरी रोटी। तो देखिए, मेरी उस फ्रेंड के लिए है ये कि हाँ देखो मैं रोटी बनाती हूँ और रोटी गोल भी बनती है, कभी बनती है कभी नहीं बनती, एक्चुअली जो डो रहता है उसके ऊपर भी रहता है। तो मैं यहाँ पे पापा को जा रही हूँ खाना देने, मतलब पापा को पहले देती हूँ, फिर पापा आराम से खाते रहते तब तक मैं फिर बच्चों को खिलाती हूँ, या फिर मम्मी ही खिला देती है, ऐसा कुछ नहीं है, या कभी मम्मी बना देते हैं तो मैं खिला देती हूँ, उस टाइप का होता रहता है।
तो हम लोग दोनों तो साथ में काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ पे, मतलब अकेले तो कुछ किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहता है कि मुझे ही करना है या मम्मी को ही करना है, तो हम लोग साथ में मिलके यहाँ पे काम कर लेते हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मैं अकेले ही हूँ और दादी है, तो दादी को तो मैं बोलूँगी नहीं करने के लिए कुछ भी, और दादी कर भी नहीं पाते हैं, थोड़ा एज हो गया है उनका। तो ये चला पापा के लिए खाना। निन्नी आ गई। चलो भातू खाबे। चलो अब आपके सामने आएगा दसवां प्रश्न की लाल बीजा। और बाबू खाना खा के अपने दादा के साथ खेल रहा है, उसको रात को मस्ती सोचता है हमेशा खाना खाने के बाद। अभी तो ये लोग टीप रेस खेल रहे थे, और ये देखिए मेरे आँख में फिर से वो बिलोनी की क्या बोलते हैं वो हो गया है, ये बार बार हो जा रहा है, ये थर्ड टाइम हुआ है, पहले भी दो बार हुआ, फिर अपने से ठीक हो गया। और ये देखिए सारा सामान ऐसी हो पड़ा है, ये सब इन्हीं लोगों का काम है। सब कुछ बैग से निकालते हैं और उसमें डाल देते हैं, और बदमाशी वसीनों का ही सब चलते रहता है क्योंकि कवर्ड में मेरी अलमारी में जगह नहीं है, कौन पूरा बैग निकाले, फिर तो पैकिंग करना ही है मुझे। तो खाने के पापा अभी तक आए नहीं है ऑफिस से, पता नहीं कितने बजे आएंगे, उनका तो 11 बज जाता है, कभी 10 बज जाता है, 10:30, 11 के बाद ही आते हैं, उससे पहले कभी नहीं आते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसे लगी, तो इतना खास कुछ था नहीं, वैसे तो नॉर्मली है, बट ठीक है, सबको पसंद आता है, वही बड़ी बात है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। प्लीज मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो बेल आइकन है उसको हिट करिएगा ताकि मेरा जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।